शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए आज जनपद के मिठफल बीआरसी में अधिकारियों और शिक्षकों के बीच विद्यालय के रखरखाव और पानी व बच्चों की उपस्थिति, स्वच्छ शौचालय की बात कही, क्योंकि आज विभाग में प्राथमिक व जूनियर विद्यालय महिलाओं को शौच जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। शौचालय सरकार बनवा तो दी मगर उसके रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं की, तमाम बातें बताते हुए डीसी निर्माण रितेश श्रीवास्तव ने बताया कि अगर विद्यालय में शौचालय नहीं है तो एक शौचालय का सरकार 61,000 और दो के लिए 122,000 देने की बात कही। वहीं विद्यालय में मध्याह्न भोजन पर चर्चा की गई, अधिकारी बच्चों की समस्या पर कतराते नजर आए। न्यूज फ्रीडम के लिए सिद्धार्थनगर से सद्दाम खान की रिपोर्ट। आप ही बताएं, बीआरसी मिठवल में अभी आपने अध्यापकों की एक मीटिंग की, इस मीटिंग का उद्देश्य क्या रहा? इस मीटिंग का उद्देश्य यही है, शैक्षिक परिवेश के साथ साथ विद्यालय के परिवेश को चेंज करके और उसमें शैक्षिक स्तर को बढ़ाया जा सके, जिससे विद्यालय का हमारा जो कैंपस है वो काफी सुंदर नहीं दिखता है, लेकिन उसको हम लोग अट्रैक्ट करने के लिए सुंदर जो हमारे पास ग्रांट आते हैं उसको धरातल तक पहुंचाना एक हमारा मेन उद्देश्य है। जैसे हमारे वहाँ इस समय कंपोजिट ग्रांट आया हुआ है, कंपोजिट ग्रांट से स्कूलों में कई सारी रंगाई पुताई के कार्य, टाटपट्टी के कार्य कराए जाने हैं, टाइल्स के मरम्मत के कार्य कराए जाने हैं, आंशिक मरम्मत का काम है, वो लोग ये लोग कराएंगे और वो धरातल स्तर से हो। इसीलिए इस बैठक का मेन उद्देश्य था विद्यालय परिसर से लेकर शैक्षिक उन्नयन, शैक्षिक स्तर को बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया गया था। जैसे अभी एक विद्यालय हमारे प्रकाश में आया कि खरिका दुबे है, वहाँ पे जब से विद्यालय वाला उस विद्यालय में नल नहीं है। देखिए, इस तरह की हमने अभी एनपीआरसी जितने हैं हमारे, हमने सबको बता दिया है, आप लोग लिखित में एक सूचना हमको देंगे, हम देखते हैं वो कहाँ से फॉल्ट है, क्यों नहीं लग पाया। ऐसा नहीं है कि बिना नल के वहाँ एमडीएम आज इतने दिनों से संचालित है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं है और बिना हुए आज कई सालों से, विद्यालय दसों साल से संचालित है और वहाँ खाना बन रहा होगा, लेकिन मैं देख लेता हूँ क्या स्थिति है, तो उस पर जैसे भी होगा, नहीं होगा तो लगवा दिया जाएगा। अब आपका न्यूज फ्रीडम चैनल कभी भी कहीं भी देश विदेश में बिजनौर व उत्तर प्रदेश की खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर लॉग इन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज फ्रीडम चैनल और बने रहिए हमारे साथ अपने क्षेत्र की खबरों के लिए।